हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बताऊंगा फेसबुक अकाउंट डिलीट कैसे करें बिना पासवर्ड के। 2025 हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट। पासवर्ड याद नहीं है तो इस तरीके से आप डिलीट करें फेसबुक अकाउंट। इसके लिए आपको फेसबुक की ऑफिशियल ऐप को ओपन करना है। इसे फेसबुक की ऑफिशियल ऐप को ओपन करते हो कुछ तरह इंटरफेस आता है। अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको टॉप पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन है, आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है। इसे थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका फेसबुक का प्रोफाइल यहाँ पर शो कर जाएगा। अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। इसे आप सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आया था सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे एक न्यू पेज पेन हो जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी सी मोर इन अकाउंट सेंटर। अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है सी मोर इन अकाउंट सेंटर, तो आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। इसे सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे क्लिक करोगे उस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होता है पर्सनल डिटेल्स, तो आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। इसे पर्सनल डिटेल पर क्लिक करोगे उस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर क्लिक करना है। इसी आप अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे एक न्यू पेज पेन हो जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होता है फर्स्ट एंड मेमोराइजेशन, सेकेंड में आपको देखने को मिल जाता है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, टेम्पररी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल। अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो आपको डीएक्टिवेशन और डिलीशन पर क्लिक करना है। इसी आप डीएक्टिवेशन और डिलीशन पर क्लिक करोगे एक न्यू पेज पेन हो जाएगा, यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट शो कर जाएगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो आपको अपना फेसबुक अकाउंट पे क्लिक करना है। जिसे आप फेसबुक आईडी पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज पेन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट। अगर आप अपना अकाउंट को हाइड करना चाहते हो, कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है डीएक्टिवेटिंग अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्पररी। अगर आप अपना अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखा था डिलीट अकाउंट, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट। व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट यू वॉन्ट बी एबल टू रिट्रेव द कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यू शेयर ऑन फेसबुक, योर मेन प्रोफाइल, योर मैसेंजर एंड ऑल ऑफ योर मैसेजेस विल बी डिलीटेड। अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सर्कल वाला ऑप्शन था, आपको सर्कल पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन था कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा, कुछ तरह इंटरफेस आ जाएगा डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट। तो यहाँ पे आपका फेसबुक पेज नेम यहाँ पे शो कर सकता है, अगर आपका फेसबुक पेज होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन था कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना होता है बिफोर यू डिलीट वी मे एबल टू हेल्प, तो यहाँ पे आपको कुछ रीज़न देखने को मिल जाता है क्यों डिलीट करना है फेसबुक अकाउंट। तो यहाँ से आप कोई भी एक रीज़न सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट डेमो दिखाने के लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक। सिलेक्ट करने के लिए आपको इस सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसे आप सर्कल पे क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है परमानेंटली डिलीट अकाउंट, तो आपको क्या करना है नीचे की तरफ आ जाना है एकदम नीचे, तो अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन था कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो यहाँ पे अपना पासवर्ड को एंटर कीजिएगा। तो मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है, बिना पासवर्ड के फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन था फॉरगॉट पासवर्ड, तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसे आप फॉरगॉट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन देखा होता है ट्राई अनदर वे, तो आपको ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना है। इसे आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है रिसेट योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सेंड कोड वी ईमेल, सेंड कोड वी फेसबुक नोटिफिकेशन, एंटर पासवर्ड टू लॉग इन। ठीक है, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट ईमेल से लिंक है, तो यहाँ पे मेरा वी ईमेल देखने को मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो आपको वी
एसएमएस और व्हाट्सएप वाला ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड कोड वी ईमेल। सिलेक्ट करने के लिए आपको सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एंटर सिक्योरिटी कोड, प्लीज़ चेक योर ईमेल और अ मैसेज विथ योर कोड, योर कोड इज 6 नंबर लॉन्ग। तो आपकी ईमेल पे का कोड आएगा, अगर आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया होगा तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा, नहीं तो आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा। तो चलिए मैं जीमेल पे ले आता हूँ, ये जीमेल ऐप। जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। इस थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑल इनबॉक्स, तो आपको ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करना है। जिससे आप ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखते हो हमारा कोड आ चुका है फेसबुक की तरफ से, तो आपको इस मेल को ओपन करना है। इसे मेल को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका कोड यहाँ पे नीचे की तरफ शो करेगा, वन मोर स्टेप टू चेंज योर पासवर्ड। तो आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है या फिर सेम टू सेम एंटर कर लेना है। अगर आपका कोड नहीं आता है तो यहाँ पे ऑप्शन था डिड नॉट गेट अ कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना कोड एंटर कर दिया हूँ, कोड को एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन था कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिससे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने एक ऑप्शन आता है फेसबुक चूज अ न्यू पासवर्ड, क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना एक नया वाला पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, पुराना पासवर्ड एंटर मत करना। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन था कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा और आपको आपका पासवर्ड पता चल जाएगा। अब आप अपना आईडी को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। पासवर्ड को पता कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड को एंटर कर लेना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन था कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने का ऑप्शन आया था कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, यू आर अबाउट टू शेड्यूल योर अकाउंट फॉर परमानेंट डिलीशन, वंस यू शेड्यूल योर अकाउंट फॉर डिलीशन यू हैव 30 डेज टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड कैंसिल द डिलीशन, आफ्टर 30 डेज द डिलीशन प्रोसेस विल बिगिन, यू वॉन्ट बी एबल टू रिट्राइव एनी ऑफ द कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यू हैव एडेड, यू कैन कैंसिल द परमानेंट डिलीशन प्रोसेस एट एनी टाइम बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट थ्रू अकाउंट सेंटर और लॉग इन इन टू योर फेसबुक अकाउंट विथ योर ईमेल और फोन एंड पासवर्ड। तो ये बोला कि अभी आपका जो अकाउंट है वो शेड्यूल हो जाएगा, 30 डेज के बाद आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपना आईडी को वापस लाना है तो आपको 30 डेज से पहले ईमेल और फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड को एंटर करके अपना आईडी को लॉगिन कर लेना, आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो आप क्या करना है, 30 डेज तक लॉगिन नहीं करना है, तो आपका आईडी डिलीट हो जाएगा। देन आप क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन था डिलीट अकाउंट, तो आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। इसे डिलीट अकाउंट पर टैप करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो करेगा सेशन एक्सपायर, प्लीज़ लॉगिन अगेन, तो आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, किसी आप फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो 2025 में। अगर आपका मूड चेंज हो जाता है तो आपको 30 डेज पहले यहाँ पे अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। सो ऑडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।